काव्या का कैरेक्टर आखिर लिख कौन रहा है? मेरा सबसे बड़ा और पहला क्वेश्चन। यार कैरेक्टर इतना ज्यादा डिल्यूजनल कैसे हो सकता है? कौन आखिर कैरेक्टर राइटिंग कर रहा है? सबसे पहला सवाल तो ये। आप काफी जगहों पर इतना ज्यादा स्मार्ट देखने को मिलते हो कि आधे के स्मार्टेस्ट भी फेल। काफी जगहों पर इतने ज्यादा मतलब बेवकूफी भी नहीं यार, बेवकूफी की सारी हदें पार करके आप बेवकूफों की रानी दिखती हो, ऐसी हरकतें करती हो। फिर आप आईएएस भी हो, क्या चल क्या रहा है भाई आईएएस काव्या बंसल के कैरेक्टर के साथ? सॉरी, आईएएस काव्या आदि प्रधान के साथ क्या चल रहा है? आप एक मार्केट में गए जहां पे लोगों ने रोड को घेरा हुआ है, आप वहां पर डंडे से मटके फोड़ रहे हो, उनकी दुकानें फोड़ रहे हो, सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी वीडियो सामने आती है जहां पे किसी के ठेले को उठा के फेंक दिया, किसी का सामान फेंक दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, आती है ना, इतना हेट मिलता है उसको। लोगों के उस एक छोटे से वीडियो की वजह से उस आईएएस की जॉब पर बात आ जाती है। और यहां पर हमारी काव्या बंसल जी क्या कर रही है? पहले ही दिन जॉब के ये कारनामे कर रही है, पहले दिन, मतलब सीरियसली, मजाक से हट के पहले दिन ही ये सब हरकतें कौन करता है भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, पहले दिन कौन करता है ये सब हरकतें? मैं सोच रहा था कि यार आपको भी थोड़ा रुकना तो चाहिए, थोड़ा पॉज लो यार, अभी सेटल बिनियो पंगे करने शुरू कर दिए। क्या बोलो, नोटिस दो कि भाई अगर 2 दिन के अंदर नहीं हटी ना दुकान, 1 24 घंटे के अंदर भाई सारी दुकानें खत्म है, सब दुकानें। नहीं, अब मैं क्या ही कहूं, क्या कहूं मैं सीरियसली शॉक्ड हूं कि ये चीजें चल क्या रही है, क्या चल रही है। यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर जो भी सब कुछ चल रहा है, वो कितना ज्यादा, मतलब मुझे देखने में ऑकवर्ड लग रहा है। मैं खुद अपना माइंड मेकअप एक नहीं कर पाता कि भाई काव्या सच में एक दिमागदार लड़की है या बेवकूफ लड़की है। काफी जगहों पर इतना इंटेलिजेंट दिखाया जाएगा कि भाई हम लोग सोच में पड़ जाते कि ये बंदी इतनी समझदार है, हमें पता ही नहीं था। काफी जगहों पर इतनी बेवकूफी है, इतनी बेवकूफी है, इतनी बेवकूफी है कि दिमाग पकड़ के मैं बैठ जाता हूँ। क्या इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफ कोई हो नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता इससे बड़ा बेवकूफ। अब ओमी और अलका का मैटर है, क्यों भाई बीच में पढ़ा रहे हो जब कल सबने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि नहीं पढ़ना, क्यों पढ़ा रहे हो? आप फर्टिलिटी टेस्ट करवा रहे हो, क्या मतलब है भाई इसका? क्यों चीजें ऐसी बनाई जा रही है भाई, क्यों? चीजें थोड़ी इजी वे में नहीं ले जा सकते क्या आप? आपको जरूरी है हीरोइन बनना और अपने आप को अलग ही दिखाना कि भाई हमसे ज्यादा कोई अच्छा स्मार्ट बंदा है ही नहीं? अरे अभी आपके और आधे के बीच में चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होनी शुरू हुई हैं, फिर से ऐसा कोई पंगा करो कि वो बंदा फिर से अगेंस्ट में चला जाए। भाई ऑन दी अदर हैंड, आदि ने एक बात क्लियरली बोल दी कि हमारे लिए काव्या बंसल सिर्फ आप हो, बंसु तुम ही हो बस, लेकिन आपके लिए का आदि बाद में, बाकी सब पहले। ऐसे कैसे चलेगा भाई? तुम्हें हमारे प्यार का एक कतरा भी दिखाई नहीं देता, और आप चाहती हैं कि हम आपके प्यार में बस डूबे रहें, ऐसे कैसे चलेगा? तो ये चीजें सच में हैं कुछ जो, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग, क्योंकि आदि का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत बहुत इंप्रेसिव है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। बट वहीं जब मैं बात करता हूँ काव्या के कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो बिल्कुल बिल्कुल थर्ड क्लास बकवास, बिल्कुल रद्दी सड़ा हुआ सा।
काफी जगहों पे इतना इंप्रेसिव दिखा देंगे काव्या बंसल को कि भाई हम लोग हैरान है। काफी जगहों पे इतना ज्यादा दिखा देंगे कि भाई सच में दिमाग में ना एक अजीब सा वो बन जाता है कि यार ये क्या कर रही है। और ये काफी बार हो चुका है, एक बार नहीं काफी बार हो चुका है, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं मेकर्स। और अब लोग बोलेंगे कि भाई अभी अभी नई नई आईएएस बनी है, समझ जा रही है। अरे भाई इंटरनेट का जमाना चल रहा है, न्यूज में अगर आप देखोगे ना कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें निकल के आ जाएंगी कि आज ये हुआ आज वो हुआ। सोशल मीडिया भाई सब चलाते हैं, आईएएस का वे बंसल भी चलाती होंगी, उनको भी पता होगा कि ऐसी ऐसी वीडियो बन जाती तो बवाल होता है। यहाँ पे अब ये ज्ञान मत दीजिएगा कि वो भी सीखेगी, ये सब सीखने वाली चीजें नहीं है, ये सब चीजें काफी बार हो चुकी है, काफी बुरी तरीके से वायरल भी हो रखी है चीजें। यहाँ पे जो कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है ना आज के एपिसोड में, जिसने भी किया है वो बहुत बहुत ज्यादा रद्दी है। बट ऑन दी अदर हैंड शो में एक नई एंट्री हो रही है और मैं उसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो आएगा काव्या और आदि की लाइफ को बर्बाद कर देगा, इंक्लूडिंग गिरिराज। और ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर होगा कौन ये कैरेक्टर, कौन है ये एक्टर भैया, क्योंकि नए नए चेहरे इस शो में देखने को मिले हमें। कुछ चेहरों को छोड़ के काफी सारे चेहरे ऐसे जो नए हैं, तो मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ भाई ये नया चेहरा कौन सा है और इसका रोल क्या होगा, कैसा होगा। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और काव्या कहने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।